हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम्स। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रॉम योर गुलमोहर बुक, चैप्टर 6 0 आर। इट मींस शून्यकाल, वी कैन से द अपॉइंटेड आर, इट मींस नियुक्त घंटा जो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है दैट टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द ग्लॉसरी ऑफ द चैप्टर। डिसअपॉइंट, इट मीन्स फेल टू फुलफिल द होप्स, इट मीन्स निराश करना। शिवर्ड डिलिशियसली, इट मीन्स ट्रेम्बल्ड विद प्लीजेंट सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन, इट मीन्स जब हमें पता होता है कि कुछ होने वाला है जो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, तो उसे सोचकर जो हमारी मन में खुशी की एक्साइटमेंट आती है, उससे जो वाइब्रेशन होता है हमारी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड शिवर्ड डिलिशियसली। लाइक आपको पता है कि आज आपके फादर एक न्यू कार लेकर आने वाले हैं, तो जो एक्साइटमेंट वाली फीलिंग्स आती है दैट इज शिवर्ड डिलिशियसली। ग्लैड, इट मीन्स हैप्पी। ऑक्यूपाइड, इट मीन्स ऑफ अ बिल्डिंग और सीट, बींग यूज बाय समवन, किसी के द्वारा किसी प्लेस को यूज किया जाना, किसी जैसे सीट पर बैठना तो उसे ऑक्यूपाइड करना। स्पिल, इट मीन्स डिसेंट, इट मीन्स गिरावट, नीचे की ओर गिरना। टेरिबल, एज यू नो, फियरफुल, भयानक। डिस्कस, इट मीन्स टॉक अबाउट, किसी चीज के बारे में बात करना। लूनर, इट मीन्स रिसेम्बलिंग द मून एंड इट इज कॉल्ड ग्रहण, इसे ग्रहण कहा जाता है, आपने सुना होगा, साइंस में पढ़ा भी होगा, जो चंद्र ग्रहण है। थ्रिल, इट मीन्स फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, जो एक्साइटमेंट उत्साह की जो फीलिंग आती है उसे कहा जाता है थ्रिल। ओवर पावरिंग, इट मीन्स अफेक्टिंग वेरी स्ट्रांगली, बहुत ही स्ट्रांगली किसी चीज को इफेक्ट करना, प्रभावित करना। टेम्पटेशन, इट मीन्स अ विश टू डू समथिंग विच मे नॉट बी वाइज, प्रलोभन या लालच जिसे कहा जाता है दैट इज कॉल्ड टेम्पटेशन। फ्यूल, इट मीन्स फायरवुड, जो जलाने की लकड़ी होती है उसे भी फ्यूल कहा जाता है, पेट्रोल, डीजल, दीज ऑल आर इंक्लूड इन फ्यूल, इट मीन्स पावर सोर्स, जिससे भी हमें पावर मिलती है उन्हें कहा जाता है फ्यूल, इन हिंदी ईंधन। डैश आउट, इट मीन्स रन और गो समवेयर वेरी क्विकली, कहीं पर बहुत जल्दी से जाना या दौड़ कर जाना। यार्ड, इट मीन्स वर्कशॉप और गैरेज, जो भी वर्कशॉप होती है जहाँ पर गाड़ियाँ ठीक की जाती है या गाड़ियों की पार्किंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड ए यार्ड। मिक्सचर, इट मीन्स ब्लेंड, मिश्रण। फिक्शन, इट मीन्स काल्पनिक कहानियाँ। लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ प्रोज एंड नॉवल्स, जो लिटरेचर होती है, जो लिखी जाती है लिटरेचर, वो प्रोज की फॉर्म में या नॉवल्स की फॉर्म में होना, ये हमारी इमेजिनेशन पर डिपेंड करती हैं, दीज आर नॉट रियल स्टोरीज। फैंटेसी, इट मीन्स ड्रीम और डे ड्रीम, दीज आर ऑल्सो डिपेंड ऑन आवर इमेजिनेशन, ये भी सपने होते हैं जो हम रियल में नहीं होते हैं, ओनली हमारी कल्पनाएँ होती हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट द ऑथर ऑफ द चैप्टर 0 आर्स। द राइटर ऑफ द चैप्टर इज एलेक्जेंडर ब्लेड, वॉज अ पॉपुलर अमेरिकन साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी ऑथर। जो एलेक्जेंडर ब्लेड हैं, जिन्होंने ये स्टोरी राइट डाउन की है, वो बहुत ही फेमस अमेरिकन राइटर हैं, जो साइंस फिक्शन, इट मीन्स जो विज्ञान पर आधारित कल्पनाएं हैं उन्हें लिखते हैं, और काल्पनिक कथाओं के ही ऑथर हैं, इट मीन्स ये कम्प्लीटली इमेजिनेशन पर राइट करते हैं। ही रॉट मैनी स्टोरीज एंड आर्टिकल्स फॉर पॉपुलर साइंस मैगजीन्स एंड पब्लिश्ड टू कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। इन्होंने जो साइंस की मैगजीन्स हैं उनके लिए बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, और इनकी जो दो कलेक्शंस हैं शॉर्ट स्टोरीज के, वो भी इन्होंने पब्लिश करवाए हैं, इट मीन्स इनकी जो छोटी कहानियों की दो किताबें भी पब्लिश हुई हैं। द ब्रेन एंड द प्लॉटर्स आर सम ऑफ हिज अदर स्टोरीज, ये भी इनके स्टोरीज के नाम हैं, द ब्रेन एंड द प्लॉटर्स, दीज आर हिज
other stories. Now let's see 0 hours. Para number first. Father had already gone when Bobby woke up. The first character of the chapter is Bobby. In this story, the whole story is about Bobby and his imagination. ये जो story है ये Bobby और उसकी imagination पर ही completely depend करती है. इसी की imagination पर ये story create की गई है. जो father हैं वो Bobby के उठने से पहले ही जा चुके थे. This disappointed Bobby a little. इससे जो Bobby है वो थोड़ा निराश हो जाता है. But then he remembered. लेकिन तभी उसे याद आता है. This was the big day. कि आज तो बहुत बड़ा दिन है. Naturally, father would go to the project early. इसलिए निश्चित रूप से पापा को उस प्रोजेक्ट के लिए जिस काम पर वो लगे हुए थे उसके लिए उन्हें जल्दी जाना ही था. And at 4 o'clock और शाम 4 बजे Bobby shivered deliciously at the thought of it. और जब 4 बजे थे तब जो Bobby है वो बहुत ही वाइब्रेट कर रहा था. इट मीन्स उसकी बॉडी जो है वो कांप रही थी एक्साइटमेंट के कारण जो होने वाला था उसके लिए, क्योंकि जो उसके फादर हैं वो एक साइंटिस्ट थे और वो एक मिशन पर जाने वाले थे 4 o'clock. इसलिए ये सोचकर उसकी जो वो बहुत खुश हो रहा था. He was quiet at breakfast, glad that mother was occupied because he didn't want to talk. Not today, he didn't. He was quiet at breakfast. Breakfast का जो timing था, जो breakfast time था, उस समय पर वो बिल्कुल शांत था, बिल्कुल चुप था. Glad that mother was occupied. Here occupied meaning busy. यहाँ occupied का meaning है busy. कि जो mother है वो अपने काम में busy थी, इसलिए वो खुश था उन्हें देखकर कि ठीक है mother busy हैं. Because he didn't want to talk. क्योंकि वो बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो खुश था कि जो mother है वो busy है अपने काम में. Not today he didn't. निश्चित रूप से आज वो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था. Might spill something secret. शायद कुछ बहुत ही ज़्यादा secret था. Might even let out the big secret. कि हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा secret हो, क्योंकि वो बात नहीं करना चाहता था. उसे अपने father के mission के बारे में पता था. That would be terrible. लेकिन जो भी secret था वो वास्तव में बहुत ही भयानक था, बहुत थी खतरनाक था. Of course, all things were secret at Buffalo Flats. Here, Buffalo Flats is the name of a place. ये एक प्लेस का नेम है कि Buffalo Flats पर सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट थी. So secret, बहुत ही गोपनीय थी, बहुत ही सीक्रेट थी. That top scientist like his father, John Kindle, didn't even discuss them with their families. कि इतनी ज़्यादा सीक्रेट थी ये बातें कि जो टॉप साइंटिस्ट थे जिनमें उसके फादर भी एक थे जिनका नेम था जॉन किंडल, वो अपनी फैमिली के साथ में भी, जो टॉप साइंटिस्ट थे जितने भी इस मिशन में, वो लोग अपनी फैमिली के साथ में भी इस बात को डिस्कस नहीं कर सकते थे. देयरफॉर इट वॉज रियली समथिंग टू सेट They are eating breakfast knowing that today father was going to fly to the moon. इसलिए वास्तव में शांत होकर बैठना ये बहुत ही एक अलग अनुभव था. ब्रेकफास्ट करना उस समय पर जब आप ये जानते हैं कि जो आपके फादर हैं वो मून पर जाने वाले हैं, तो उस समय पर जब आपको ये पता है कि आपके फादर एक बहुत ही स्पेशल मिशन के लिए मून पर जाने वाले हैं, उस ये सच्चाई जानते हुए भी आपको ब्रेकफास्ट कर रहे थे वो भी बिल्कुल शांति से, ये बहुत ही अलग अनुभव था. एंड मदर डिडंट नॉट इवन नो दैट द लूनर प्रोजेक्ट वॉज इन द वर्क्स. और जो मदर थी उसे इस लूनर प्रोजेक्ट के बारे में, ये जो चांद के ग्रहण का जो प्रोजेक्ट था इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था. शी वुड नेचुरली नॉट इवन ड्रीम दैट ही वॉज गोइंग विद फादर.
वो तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि जो लड़का था बॉबी, हेयर ही वॉज गोइंग मीन्स जो बॉबी था वो भी अपने फादर के साथ जाने वाला है, इसके बारे में उसकी मदर सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसने एक ऐसा सीक्रेट प्लान बनाया था कि वो भी अपने फादर के साथ में मून पर जाने की प्लानिंग कर रहा था. द थ्रिल वॉज ओवर पावरिंग दैट सीक्रेट वॉज टू मच टू बियर, कि जो थ्रिल थी, जो उसका एक्साइटमेंट था, वो बहुत ही ज़्यादा उसे ललचा रहा था, इतना कि अब वो इस सीक्रेट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था. अब उसे सहन नहीं हो रहा था कि मैं इसे अपनी माँ से छुपा रहा हूँ, इस सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं पता है. एज बॉबी गॉट अप फ्रॉम हिज चेयर आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद जब बॉबी अपनी चेयर से उठता है, मदर लुक्ड अप एंड सैड, मदर उसकी तरफ देखती है और कहती है, एंड वॉट्स योर प्लान फॉर टूडे यंग मैन, कि आज का तुम्हारा क्या प्लान है यंग मैन. हेयर यंग मैन मीन्स बॉबी, मदर अपने बेटे बॉबी से कह रही है कि आज का तुम्हारा क्या प्लान है. बॉबी हैड अ क्विक थॉट, अ सडन टेम्पटेशन, वाई नॉट गिव हर अ हिंट. बॉबी को अचानक से एक विचार आता है और अचानक से वो सोचता है, क्यों ना मदर को एक हिंट दिया जाए इसके बारे में, मदर को भी ये जो सीक्रेट है इसका थोड़ा सा हिंट दे दिया जाए उन्हें थोड़ा परेशान करने के लिए. बॉबी स्माइल्ड एंड सैड, क्योंकि वो अपनी मदर को एक हिंट देना चाहता था इसलिए वो स्माइल करता है और कहता है, आई थिंक आई विल गो टू द मून टूडे, कि मुझे लगता है कि आज मैं चांद पर जा रहा हूँ. मॉम स्माइल टू, मॉम भी स्माइल करती है क्योंकि वो ऐसी स्टूपिड बातें कर रहा था. एंड वेंट बैक टू हर रीडिंग, और दोबारा वो अपनी जो वो रीडिंग कर रही थी, शायद वो कोई बुक पढ़ रही थी, दोबारा अपनी बुक पढ़ने लगती है. वेल सी टू इट योर फ्यूल मिक्सचर इज करेक्ट, और कहती है उससे कि देख लेना कि जो जिससे भी तुम मून पर जाने वाले हो उसके अंदर जो तुम्हारा फ्यूल का मिक्सचर है वो सही है या नहीं है, इट मीन्स उसमें प्रॉपर फ्यूल है या नहीं है, पहुँच भी पाओगे या नहीं मून पर. आई विल चेक इट एंड मॉम I might not be home for lunch. वो बोलता है कि ठीक है मैं इसे चेक कर लूँगा, लेकिन मॉम हो सकता है कि आज मैं लंच करने ना आ पाऊँ, घर पर लंच करने के लिए ना आऊँ, क्योंकि मून पर जाने वाले थे वो तो. Where will you eat? मदर उससे क्वेश्चन पूछती है कि फिर तुम कहाँ खाओगे. Oh, I don't know. बॉबी रिप्लाई करता है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ खाऊँगा. Well, mind your manners and say thank you when you leave. सैड मिसेज किंडल, एज वी नो जो उनके फादर थे उनका नेम जॉन किंडल था, इट मीन्स जो मदर होंगी वो होंगी मिसेस किंडल. वो अपने बेटे से कहती हैं कि अच्छा अपने जो मैनर्स हैं उन्हें मत भूलो, और जब तुम जाने वाले हो, इट मीन्स तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो उसके बाद में तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए. मिसेस किंडल उसे कहती हैं, स्टिल स्माइलिंग, अभी भी स्माइल करते हुए, एज She watched Bobby dash out in the yard. जबकि वो देख चुकी हैं कि जो बॉबी है वो बहुत ही तेज़ी से यार्ड में, जो बैक यार्ड था उनके पीछे का, घर के पीछे जो खाली स्पेस एरिया था वहाँ पर जा चुका है. I hope students you have understand. Remain part, we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.